हाय, आई शिवानी अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू द गेटवे क्लासेस। सॉफ्ट स्किल की वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। गेटवे क्लासेस इज रियली थैंकफुल फॉर यू, योर रिस्पांस, वार्म रिस्पांस। एंड आई होप कि आपकी सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में यूनिट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जो AKTU के 2023 के 31st के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच एडो। यूनिट वन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट इज फ्रेज। इसमें आपको फ्रेज बताना है, फ्रेज क्या होता है। एक आध एग्जांपल आप दे देंगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लॉज एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज आर देयर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लॉज को आपको डिफाइन करना है और काइंड्स ऑफ क्लॉजेज बताने हैं। यहाँ पर क्लॉजेज होते हैं नाउन क्लॉज, देख लीजिएगा आप। अगला हमारा है व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। दिस ऑल्सो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमोफोन्स और होमोनिम्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। दिस आल्सो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो एंटोनिम और सिनोनिम को एक एक लाइन में एग्जांपल आप देकर उसको एक एक लाइन में डिफाइन करके उसके एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स दे दीजिएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा आएगी वोकैबुलरी, वो हम अपनी वीडियोस में बता चुके हैं, बता देंगे। और इसके अलावा आएगा आपका ग्रामर का पोर्शन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो फ्रॉम यूनिट फर्स्ट कोई लॉन्ग क्वेश्चन एज सच बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ग्रामर का पोर्शन प्लस वोकैबुलरी का पोर्शन सेक्शन वाइज करके ABCD करके आ सकता है। आइए आगे चलते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड का हमारा फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिसनिंग। लिसनिंग को डिफाइन करना है। मैंने अपने वीडियोज़ में भी बताया था कि लिसनिंग जो है वो स्टेप वाइज एक प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले रिसीव करना होता है एंड देन अंडरस्टैंड करना होता है और फॉलोइंग बाई कुछ और स्टेप्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हियरिंग एंड लिसनिंग के बीच आपको डिफरेंशिएट करना है। टेबल बनाकर करिएगा हियरिंग एंड लिसनिंग इधर करके, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड और अगर आप फोर पॉइंट तक यहाँ डाल देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अप्रोप्रिएट बन जाएगा और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अगला हमारा है व्हाट इज़ नोट टेकिंग। दिस आल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टेड टॉक। टेड टॉक भी हमने अपने वीडियोस में बताया है और मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि टेड टॉक जो है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक है। अभी तक किसी भी बार इसे AKTU ने अपने सॉफ्ट स्किल के उसमें नहीं इंट्रोड्यूस कराया था। तो क्योंकि नया टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है राइट द नेम ऑफ टू टेड टॉक स्पीकर्स ऑफ इंटरनेशनल फेम। तो आपको कुछ नेशनल फेम के और इंटरनेशनल फेम के टेड टॉक स्पीकर्स के नाम पता होने चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। अगर हम नेशनल फेम के टेड टॉक स्पीकर्स की बात करें तो विवेक बिंद्रा, विकास दिव्यकीर्ति, ये सभी आएंगे इसमें। अगला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। मूविंग अहेड आवर लॉन्ग क्वेश्चंस आर What is listening? How many kinds of listening are there? Differentiate between active and passive listening. तीन parts हैं question के, अच्छी तरह से हर part को अलग अलग define करिएगा, हर part को अलग अलग elaborate करिएगा। अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा important question है। अगला हमारा है व्हाट आर द मेरिट्स। मेरिट्स देखिए, मेरिट्स में एडवांटेजेस आती हैं और डिमेरिट्स में डिसएडवांटेजेस आती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेरिट एंड डिमेरिट आ सकता है और डिमेरिट की जगह डिसएडवांटेज और लिमिटेशन भी आता है, तो आपको इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं करना है। डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस और आपका जो है लिमिटेशंस, ये एक ही बात है। मेरिट और एडवांटेजेस एक ही बात है। तो डिफाइन द मेरिट्स या एडवांटेजेस या रोल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला जो है व्हाट आर द ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ हमने ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा है, तो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एक्टिव लिसनर, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है व्हाट इज़ स्पीकिंग स्टाइल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग इन स्पीकिंग स्टाइल। तो इस तरह से ये यूनिट सेकंड है। अब यूनिट थर्ड पर आते हैं। यूनिट थर्ड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला है डिफाइन रीडिंग। रीडिंग भी हमने अपने वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ चर्निंग। चर्निंग एक काइंड का रीडिंग मेथड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टिव ऑर्डर क्या है डेवलपिंग पैराग्राफ। व्हाट इज़ इंडक्टिव ऑर्डर ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ डेवलपमेंट का इंडक्टिव ऑर्डर क्या है, ये आप जब पैराग्राफ डेवलपमेंट के ऑर्डर्स या मेथड्स या टेक्निक्स पढ़ेंगे, तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ स्पेशल ऑर्डर ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है डिस्कस अबाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस इज़ ऑल्सो ए
मेथड ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ अभी तक आपको ये पता लग ही गया होगा. व्हाट इज़ लीनर ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अब आता है हमारा यूनिट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ एन एजेंडा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे निग्लेक्ट मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा. अगला क्वेश्चन है एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिफ्रेंशिएट करना है. अगेन वही लाइन बना के करिएगा, पॉइंट डालकर बहुत अच्छा बन जाएगा. और तो डिफरेंट एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग को आपको डिफरेंशिएट करना है. अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव ऑर्डर. अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द टिप्स टू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने की टिप्स क्या हैं एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन, इस यूनिट 3 के लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट इज़ रीडिंग एंड हाउ मनी काइंड्स ऑफ रीडिंग आर देयर, डिस्कस अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आ सकता है. What are the different orders या techniques of what are the different orders methods, है ना, methods या फिर अगर हम बात करें techniques, तो ये एक ही चीज़ है, order, method और technique of developing paragraph. ये बहुत ज़्यादा important question है और ये आएगा ज़रूर से. राइट ए नोटिस, अब नोटिस जो है वो आपको लिखने के लिए आ सकता है. अब नोटिस किस किस टॉपिक पर आ सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है तो उसके बारे में आपको नोटिस लगाना है सर्कुलर बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर. या फिर आपका कल्चरल एक्टिविटी है कोई, कल्चरल फंक्शन है, कल्चरल फिएस्टा है, तो उसके बारे में आपको लोगों को कल्चरल प्रोग्राम्स में या एंकरिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नोटिस लगाना है. इस तरह से आपका आएगा. एक ये है ड्राफ्ट रिज्यूमे, क्योंकि ये लेटर वाला पोर्शन है तो इसमें रिज्यूमे बहुत अच्छे तरह से आप कर लीजिएगा. रिज्यूमे के को अगर आप कवरिंग लेटर के साथ डालेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपको पड़ने वाला है. एक ये क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू हाईलाइट द न्यूसेंसेस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर इन योर कॉलोनी. इस तरह के लेटर आ सकते हैं एडिटर को लिखने के लिए, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा. अब आते हैं यूनिट 4 की तरफ. यूनिट 4 में अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What is presentation? ये बहुत important topic है. And how many kinds of presentation are there? What is intonation? ये भी बहुत important है. What is syllable? How many kinds of syllable are there? Again, this is very very important question. What is pitch? This is also an important question for the viewpoint of AKTU examination of 20 and 23. What is rhythm? Rhythm वाला भी question बहुत important है. What is accent? Accent वाला question बहुत ज़्यादा important है. देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है. एंड प्रॉक्सिमिक्स क्या है और प्रॉक्सिमिक्स को किसने एनन्सिएट किया, T.S. हॉल ने करा था सबसे पहले, तो ये याद रखिएगा. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ क्रोनोमिक्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोनोमिक्स इन लाइफ, क्रोनोमिक्स टाइम मैनेजमेंट को कहते हैं. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मूविंग अहेड टू अवर लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले मैं पढ़ने से पहले ही बता दे रही हूँ आपको. हाउ वी कैन प्लान एंड प्रिपेयर फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. और इसमें देखिए एक ये भी आ सकता है कि थीम्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या हैं, प्रेजेंटेशन के थीम्स क्या क्या हैं आपके, है ना, ये भी आ सकता है. और व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑडियंस एंड लोकल इन प्रेजेंटेशन, ऑडियंस और लोकल का क्या रोल होता है प्रेजेंटेशन में. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. लिमिटेशंस का मतलब क्या बताया था, डिसएडवांटेजेस. तो ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने लिखा भी है. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें नॉन वर्बल में काइनेसिक्स और एलिमेंट्स आते हैं. अगला हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ पैरालिंग्विस्टिक्स, पैरालिंग्विस्टिक और उसके वेरियस एलिमेंट्स आपको डिस्कस करने हैं. अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग एंड सजेस्ट सम ऑफ द टिप्स टू रिमूव स्टेज फियर एंड फ्राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा. अगला और लास्ट यूनिट डिफाइन द टर्म, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन द टर्म स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब आवर मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, यानी इसमें आपको डिफाइन करना है कि लीडरशिप होती क्या है. सजेस्ट सम प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर की प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है. लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देख लीजिए व्हाट इज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला है व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, यहाँ पर 4 AS लिखने हैं हमारे. सजेस्ट सम ऑफ द टिप्स टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने की कुछ टिप्स बतानी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी.
व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर ए गुड लीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, कंसीडरेटनेस एंड एम्पैथी फॉर बींग ए गुड लीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर ब्लेस्ड लीडर, एक अच्छे लीडर के लिए कम्युनिकेशन का क्या रोल है. तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आप सभी ने सभी इसी हिसाब से तैयार करेंगे. तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एग्जामिनीज एंड आई विश यू टू हैव ए रॉकिंग एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ, गेटवे क्लासेस के साथ. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. लव यू सो मच.